Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivara Dhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tiravana Chari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato jayamudiraye Nashta prayeshu abhadreshu Nityam bhagavata sevayat Bhagavati uttama shloke Bhaktir bhavati naishtiki Krishnaya vasudevaya Devaki nandanaya cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Sabko Hindi samajhta hai na? Theek hai. To hum Karnataka mein aa gaye hain, puchna padega. Prabhu ji ne kaha ki sabke liye Hindi mein hi suvidha hogi. Theek. To एक भजन और एक गाते हैं क्योंकि आज कोई श्लोक नहीं है आज का विषय ऐसा सूचित किया गया था कि गौर पूर्णिमा के लिए अपनी चेतना की तैयारी कैसे की जाए या क्या होती है गौर पूर्णिमा का लगभग भक्त लोग गौर पूर्णिमा के पहले पहले से एक महीना या रथ यात्रा के पहले जगन्नाथ जी के चिंतन करते रहते हैं उसी प्रकार से आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो
वास्तविक कौन है चैतन्य महाप्रभु, कैसे है, क्या हमारी चेतना होनी चाहिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने ये पूरा आंदोलन शुरू किया है चेतना के विकास के लिए, चेतना को भगवत भक्ति में जोड़ने के लिए। तो चेतना की तो बातें हो सकती है, पर उसका हमारे लिए क्या मायने है, क्या चिंतन करना चाहिए। तो मैं जब सुबह सोच रहा था कि क्या क्या चिंतन होना चाहिए मेरा, आप सबका या हम सबका, तो मुझे ऐसा लगा कि हम क्या सोचेंगे, उससे अच्छा यही होगा कि पूर्व आचार्यों ने इसके बारे में क्या सोचा है, इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करें। तो मैंने थोड़े से विषयों का चिंतन किया और वो आपके सामने कुछ समय प्रस्तुत करूँगा। फिर मेरे पश्चात जगन्नाथ प्रिया प्रभु भी उनका चिंतन प्रस्तुत करेंगे। तो एक भजन वासुदेव घोष, जो महाप्रभु के एक अच्छे भक्त रहे परंपरा में, उन्होंने गाया हुआ है कि यदि गौर न होइ तो तबे की होइ तो, केमो न धरिते राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानत के। कि अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो इस कलियुग अवतार में, कलियुग के इस समय में जो भयंकर कठिन है, कौन हमें श्रीमती राधा रानी का महत्व समझाता कि कौन है ये। और यहाँ तक कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने कुछ लेखों में ये भी कहते हैं कि वास्तविक हमारा संबंध तो श्रीमती राधा रानी से है, वो कृष्ण से प्रेम करती है ये अलग बात है, वरना कृष्ण से हमारा सीधे सीधे हम लोग उनको नहीं, क्योंकि हम लोग अपने आप को राधा दासत्व स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके जैसे परम सेवक भगवान के कोई और नहीं है। और उन्हीं का ये जो तत्व है वो समझाने के लिए स्वयं महाप्रभु यहाँ आना चाहते हैं या आने की इच्छा प्रकट करते हैं, और फिर हमारे सामने इतनी सरलता से वो ये मार्ग को प्रस्तुत करते हैं। अगले पंक्ति में वो कहते हैं, मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार ब्रज युवती भावेर भक्ति शक्ति होइते कर। कि कौन हमें बताता कि ब्रज गोपियों की लीला क्या है, कि ब्रज गोपियों का समर्पण क्या है। हम जब गोपी गीत, भ्रमर गीत, दशम स्कंद का अध्ययन करते हैं तब पता चलता है, और तब हम लोग ये जानते हैं कि स्वयं कृष्ण ही एक समय जब कहते हैं कि न पा रहे हम, मैं आपके प्रेम के उपलक्ष्य में आपको कुछ नहीं दे पाऊँगा, कि आपने मेरे लिए इतना असीम और जिसे हम अनडिवाइडेड, अनटेंटेड या इस प्रकार से कहेंगे कि जिसमें कोई मिलावट नहीं है, ऐसा प्रेम जो आप लोगों ने मुझ पर किया, उसके उपलक्ष्य में, उसके प्रति मैं कुछ आपको दे नहीं पाऊँगा। क्योंकि संसार के सारे लोग जो कुछ भौतिक इच्छा चाहते हैं, कुछ ना कुछ चाहते हैं, तो उनको तो मैं कुछ दे सकता हूँ, पर जिन्होंने मुझे ही अपने मन में बसा लिया है, जो प्रयत्नपूर्वक मुझे अपने मन से कई बार निकालना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को मैं क्या दूंगा। इसलिए ये पंक्ति आती है। फिर तीसरे पंक्ति में कहते हैं, गाओ गाओ पुनः गौरांगे रगुण सरल हो या मन ए भव सागरे एमो ने दयाल न देखी ए एक हजन। कि मैंने इस पूरे भावसागर में कोई भी इतना दयालु व्यक्ति कभी नहीं देखा जो चैतन्य महाप्रभु जैसे है, कि कोई पात्र अपात्र न देखी, न देखी स्थानास्थान, कि कोई चिंतन मनन नहीं किया कि कौन पात्र है कौन अपात्र है सबको। और यही लांछन बाकी संप्रदाय
या बाकी मत मत पंथ वाले हम पर लगा सकते हैं या चैतन्य महाप्रभु की परंपरा पर लगाया जाता है कि आप बिल्कुल किसी विधि निषेध के सभी को आप बस बांटे जा रहे हो, तो कौन तय करेगा कि कौन पात्र है और कौन अपात्र है? पहले मैं पात्र हूँ या नहीं, ये भी कौन तय करेगा? और फिर हम वो प्रभुपाद ने जिसे बार बार कहा कि अगर आपका भारत भूमि में जन्म हुआ है तो आप प्रचार कीजिए, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो क्या मैंने साधना भी नहीं की है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो भी मैं बस कल से नारे लगाते हुए या बड़े बड़ी बातें करते हुए ये करूं? तो आचार्य बताते हैं कि सावधान तो रहिए निश्चित रूप से कि अपने आचरण से, क्योंकि लोग संदेश तो स्वीकार कर लेंगे, पर अगर हम चाहते हैं कि वो लोग अपने जीवन में इसे उतारें, तो फिर हमें अपने जीवन में उसका आचरण पूर्ण रूप से करना होगा, हमारे जीवन में उस सबको उतारना होगा, समझना होगा कि पहले जो कुछ करना है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु चरितामृत में ये अलग अलग जगह ये कहते हैं कि महाप्रभु और भक्तगण वैराग्य प्रधान, कि अगर महाप्रभु का भक्त होना है तो उसमें पहले वैराग्य लगेगा। और आजकल के पिज़्ज़ा पास्ता या और किस संस्कृति के दौर में कहाँ पर इस चकाचौंध में जो आध्यात्मिकता में भी अपना रौब जमाती रहती है, उस चकाचौंध में कहाँ पर हम लोग ये सोच पाएंगे कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, वो आंतरिक वैराग्य क्या है? गौरांग बलिया ना गेणु गलिया केमो ने धरिनो दे देवासुर हिया पाषाण दिया केमो न गड़िया छे। इवन दो आई चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड गौरांग, समहाउ आई स्टिल हैव नॉट मेल्टेड इन एक्सटेसी। हाउ देन हैव आई मेंटेन्ड द बर्डन ऑफ दिस बॉडी? हाउ हैज द क्रिएटर फैशन दिस बॉडी विथ अ स्टोन इन प्लेस ऑफ वासुदेव घोष हार्ट? वासुदेव घोष कह रहे हैं कि भगवान ने ये किस प्रकार का यंत्र बना दिया कि जिसमें हृदय की जगह एक पाषाण ही बिठा दिया, क्योंकि अभी तक इतना कुछ, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते नयने बबे नीरा, आर कबे निताई चांदे करुणा होइबे, संसार वासना मोरा कभी तुच्छ होइबे, विषय छाड़िया कबे शुद्ध होबे मन, कबे हम हेरे बो श्री वृंदावन। तो जैसे प्रभुपाद ने कई बार जब कहा कि कब हम असली वृंदावन देख पाएंगे, वरना वहाँ जाने के बाद सुअर बंदर, कोई ये लूट रहा है, कोई ठग रहा है, कोई मारपीट चल रही है, यही सब दिखाई देगा। और इसलिए प्रभुपाद बार बार हमें ये सूचित करते रहे कि जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारान की, गौर निथाय की, कि यू कैनॉट बाय, कि आप एक टिकट लेकर वृंदावन नहीं जा सकते। तो वृंदावन के लिए जाने के लिए योग्यता क्या है? तो योग्यता सिर्फ इतनी ही है कि विषय छाड़िया कबे शुद्ध होबे मन। तो विषय जब छूटेंगे और शुद्ध मन होगा तब जाके, क्योंकि वृंदावन वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, वृंदावन छोड़कर भगवान श्री कृष्ण एक पांव भी बाहर नहीं रखते। फिर अगर वो बाहर भी नहीं जाना चाहते तो वो हमेशा वहाँ है। तो हम जैसे जो पतित सब जगह फैले हुए जीव है, उनके ऊपर करुणा कौन दिखाएगा? इसलिए वासुदेव घोष ये कह रहे हैं कि अगर यदि गौर न होते तबे की होई, तो कि अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो फिर हम सब लोगों का क्या होता?
अब कोई तर्क वितर्क ये निश्चित कर सकता है कि ये नहीं होते तो कोई और होता, भगवान को मेरा उद्धार करना ही है तो किसी ना किसी को तो माध्यम बना ही देते। तो ये बात ऐसे हुई कि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया पर ये नहीं देते तो कोई और दे देता। तो ऐसे बेबुनियाद तर्क करने में कोई मतलब नहीं है। जिस व्यक्ति ने हम पर कृपा की है उसके प्रति एक समर्पण का भाव, एक कृतज्ञता का भाव हर व्यक्ति को होना चाहिए कि ठीक है कुछ भी हो, इस व्यक्ति ने मुझे बिना कुछ पूछे, मेरी कोई योग्यता न पूछते हुए मुझे यहाँ तक बढ़ने का मार्गदर्शन किया और उसी के लिए मैं कृतज्ञ हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ कि किसी न किसी प्रकार से इतने सरल पद्धति से। तो क्या है वो चैतन्य महाप्रभु की तत्व जिसे हम लोग समझना चाहेंगे कि एक आम व्यक्ति के लिए क्या होता है वो? तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं और रूप गोस्वामी भी अनेक जगह लिखते हैं कि ये पांच तत्व है कि पहले है हरिनाम कि महाप्रभु ने हमें दिया क्या। अगर पूछना है और कोई अगर हमें भी पूछे कि आप लोग इस्कॉन या गौड़ीय या चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को लेकर के क्या करना चाहेंगे, वास्तविक देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु ने वो आठ श्लोकों में ही अपना सारा तत्वज्ञान बसा दिया कि एकदम हृदय को शुद्ध करने से प्रयास शुरू करो और आखिर में आश्लिष्य वा पादरताम तक जाओ, यानी कि भगवान आप मुझसे जो चाहे जैसा चाहे बर्ताव कर लीजिए पर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं क्योंकि मैंने आपको अपना स्वामी अपना पति मान लिया है। पर बाकी के जो सारे लोग हैं वो कुछ ना कुछ मांगेंगे। इस संदर्भ में मैं एक थोड़ी सी एक कथा बताना चाहूँगा कि एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनके पास एक कोई राय बहादुर आए, उस समय के अंग्रेज़ों का ज़माना है और ये उनके अच्छे परिचित है और राय बहादुर जी ने उनसे कहा कि मेरे एक मित्र है जिनका नाम सिर्फ नाम पूर्ण नहीं दिया है, सिर्फ आर बाबू ऐसे दिया है कि कोई आर बाबू नाम के व्यक्ति हैं, वो भी बड़े अफसर है रेलवे में, इंजीनियर है और उनकी बेटी अभी बहुत बीमार चल रही है। तो ये किसी ने उनको कहा कि तुम गौर गौर यही बोलते रहो, तो वो गौर गौर का बंगाली व्यक्ति है, सुना हुआ है 10-12 पीढ़ियों में घर में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के नाम चलते हैं, तो वैसे ही इन्होंने भी नाम लेना शुरू कर दिया। पर दुर्भाग्यवश कहिए या संयोगवश कहिए ऐसा हुआ कि बेटी की स्थिति और ख़राब हो गई और फिर जैसे सगे संबंधी परिचित लोग होते हैं और वो जैसे जैसे कुछ अच्छी चीज़ें हमें सुझाव देते हैं वैसे ही अभी आर बाबू के रिश्तेदारों ने कहा देखा क्या हुआ, हम कह रहे थे पहले से ही कि ये सब करके कुछ होने वाला नहीं है, कौन महाप्रभु किसने देखा है वो। और महाप्रभु ने पहले ही कह दिया है कि आमी एक बातुल तुम्हें एक बातुल, कि यानी मैं भी एक पागल हूँ तुम भी एक पागल हो। तो वैसे ही इस प्रकार से वो लोग चर्चा करने लग गए और आखिर में आर बाबू जो व्यक्ति है इंजीनियर अंग्रेज अफसर, उन्होंने गौरांग महाप्रभु को पुकारना उनका जप करना छोड़ दिया। अब ये द्वंद्व लेकर राय बहादुर साहब जो भक्त सिद्धांत सरस्वती के अच्छे परिचित है उनको मिलने के लिए आ गए कि देखिए क्या हो गया, अब आप कुछ कीजिए क्योंकि महाप्रभु की आन का प्रश्न आ गया है। तो पहले ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनको एक कहा कि मैं ये कोई पहला मौका नहीं है कि मुझे ऐसा कोई बंदूक की नोक पर पकड़ रहा है और कह रहा है कि तुम महाप्रभु की आन बचाने के लिए कुछ चमत्कार दिखा दो, सरल सी बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई चमत्कार नहीं दिखाना चाहता, न दिखा सकता हूँ,
मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि मैं आपकी सोच में कुछ परिवर्तन लाने का चमत्कार कर सकता हूँ, कुछ शास्त्र कुछ वेदों की वाणियों को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मैं आपको ये अच्छी कुछ बातें सुना सकता हूँ, पर अगर आपको उसमें रुचि नहीं है तो फिर भूल जाइए, क्योंकि मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ कि महाप्रभु को आप भगवान मान ले या न मान ले। और वो अन्य एक दो लेखों में लिखते भी हैं कि कई लोग इतने आसानी से समझ नहीं पाएंगे कि ये महाप्रभु है कौन, कि ये एक सन्यासी थे यहाँ तक ठीक है, ये हरिनाम के प्रचारक थे वहाँ तक ठीक है, पर यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है या कौन है, ये चर्चा का विषय इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर जब तक हम अपने आप को उस योग्य पात्र नहीं बनाते हमारी भक्ति में, जैसे उन्होंने बताया कि वो कर क्या रहे थे, तो ये जब तक हमारे चेतना में नहीं है तो वो समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। आखिर में लगभग 20 या 25 शास्त्रों के संदर्भ देने के बाद राय बहादुर साहब भक्ति सिद्धांत सरस्वती को ये कहते हैं, जिसके कारण सुबह हम दोनों लोटपोट हो गए थे, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसे कई प्रसंग आए कि आप गंभीरतापूर्वक हजारों पुस्तकों का अध्ययन करके अपने गुरुवरों को पूछ करके उनके मार्गदर्शन में आप किसी को कुछ बताने जाते हैं पूरा तैयारी करके, और आप में ये आत्मविश्वास होता है कि देखो मैंने शास्त्र की बातें कही, इस संदर्भ दिया वो संदर्भ दिया, मान लो मैंने क्रिश्चियनिटी से दिया, जुडाइज्म से दिया, और किसी किसी धर्म ग्रंथों से मैंने हरिनाम या भगवत नाम के प्रति के इतने सारे उदाहरण प्रस्तुत किए। इतना सब कुछ सुनने के बाद जब आपको कोई व्यक्ति पूछता है, ये तो सब ठीक था पर कुछ अभी व्यवहारिक बातें करते हैं, यानी लेट्स टॉक समथिंग प्रैक्टिकल, ऐसा राय बहादुर ने भी 100 साल पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती को पूछा। यानी उन्होंने 20 संदर्भ दिए, वो तो ऐसे ही फालतू के थे। इतना अलग शब्दों में अगर समझा जाए कि आप अपनी आते फाड़ दो इनके सामने कह कह कर कि क्या क्या कौन है ये महाप्रभु, तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा कि मैं उस महाप्रभु की तलाश में नहीं हूँ कि जो चमत्कार दिखाकर इनकी बेटी को ठीक करे या इनके बेटे की तरक्की करवा दे, उनके बेटे के लिए कोई पोता दिलवा दे, क्योंकि अभी 4 बेटियाँ हो चुकी है, तो उस प्रकार से चमत्कार करने वाले महाप्रभु की तलाश में न मैं हूँ न मैं आपको जाने के लिए कहूँगा। तो मैं किस महाप्रभु की तलाश में हूँ, ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती कह रहे, और यही शायद मैं कुछ कहूँगा और फिर रुकूँगा कि ये कौन महाप्रभु है, क्योंकि महाप्रभु नृत्य तो कर रहे हैं, वो अपने आप को बातुल भी बता रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, और भी कुछ कर रहे हैं थोड़े निश्चित रूप से, उन्होंने जैसे गोपीनाथ पटनायक हुए चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में ये प्रसंग आता है कि वो एक टैक्स कलेक्टर है, कर व्यापक है, और सौभाग्यवश चैतन्य लीला के बहुत सारे प्रसंग आज जैसे ही है, क्योंकि काल परिस्थिति 500 साल पहले लगभग आज जैसी थी, मुसलमानों का वही आतंक था आज भी वही है, और इस प्रकार से वहाँ नवाब ने उनको जो परेशान किया था उसको लेकर के ये गोपीनाथ पटनायक ये उन्होंने कुछ गबन किया था, जैसे कोई सरकारी अफसर अक्सर किया कर सकते हैं या वहाँ पर वो सुविधा होती है या करना पड़ता है। चैतन्य चरितामृत में ऐसा लिखा है कि उन्होंने कुछ अवैध चीज़ों पर चीज़ें खर्च कर दी हैं। महाप्रभु निश्चित रूप से जब लोग ये बताने उनके पास चले जाते हैं कि आपके जो भक्त है भवानंद राय, उनके ये 5 पुत्र है जो पांडु है और अभी ये रामानंद राय के ये भाई है छोटे गोपीनाथ पटनायक, तो उनको चांगा पर लटकाया गया है, यानी क्या एक ऊंची जगह पर लटकाया गया है और नीचे नंगी तलवारें हैं
और बस कुछ ही क्षणों में उनको वहाँ से धकेल दिया जाएगा और वो उस तलवारों पर बलि चढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ गबन किया था, सरकार ने या राजकुमार ने, जिसको बड़ा जाना कहते हैं, उसने पैसे मांगे और दोनों में कुछ तूतू मैं हो गई, तो वो गुस्सा हो गया, कहा कि इसको चांगा पर चढ़ा दो। पर बाकी भक्त जो है वो पहुंच गए महाप्रभु के पास, कि जैसे अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास पहुंचे हुए, इसलिए मैं एक कदम ऊपर भी चला गया कि महाप्रभु को भी चमत्कार करवाने के लिए भक्तगण पहुंच गए थे कि आपका भक्त है, देखिए जो कुछ हो घोटाला कर दिया होगा, ये कुछ चुका देगा, कि इसके पास नामी अरबी घोड़े हैं तो वो नामी अरबी घोड़ों को बेच करके ये लौटा देगा। तो जो कुछ हो, ऊपर जब चढ़ गए थे तो महाप्रभु ने कहा, देखो भाई मैं तो एक भिक्षुक हूँ, सन्यासी हूँ, राजा से कर माफ़ करने के लिए कह तो सकता हूँ, पर वो कुछ दो चार कहाना, यानी उस समय के दो चार पैसे या कुछ छोटी सी रकम होती तो मैं भीख मांग लेता, पर यहाँ तो इसने इतना बड़ा घोटाला किया है, और आज मैं अगर ये कहूँ कि भाई मेरे ये भक्त है या ये जगन्नाथ के भक्त है तो इनको माफ़ कर दो, इनको छोड़ दो, तो फिर कल आने वाली परिस्थिति में सब लोग ये उदाहरण देंगे कि देखा चैतन्य महाप्रभु ने अपने खास निजी लोगों को तो बचा लिया, पर हमारा क्या, मैंने भी तो इतना सा गबन किया था, मैं क्यों पकड़ा गया, ऐसे फिर बातें होने लगेगी। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, महाप्रभु ने कुछ नहीं किया, आने वाले थोड़े समय में भक्त एक बार गोपीनाथ को देखने जाते, एक बार महाप्रभु को सूचित करने आते। आखिरी में महाप्रभु ने एक बार उनको पूछा कि वो क्या कर रहा है, उसको उल्टा तो लटकाया गया है, नीचे की तलवारें देख करके उसके मन में क्या भाव आ रहे हैं। तो तब बताया गया कि गोपीनाथ पटनायक उस परिस्थिति में भी शांत स्वरूप में अपनी उंगलियों पर, जैसे श्रीनिवास आचार्य कहते हैं संख्या पूर्वक गान नर्तन करो, वैसे अपनी उंगलियों पर वो हरिनाम ले रहे हैं, और कुछ एक विशेष संख्या होने के बाद अपने नाखूनों से अपने बाजुओं पर एक निशान बनाते हैं ताकि मेरी कितनी कितनी संख्या हुई। तो ये बात जब सुनते हैं तो महाप्रभु खुश होते हैं कि ऐसी परिस्थिति में भी इसने अपना हरिनाम और ये सारे चीज़ नहीं सुनी, शायद इसे पश्चाताप हो रहा है, शायद ये कल अच्छा व्यक्ति बनेगा। और उसका परिणाम भी हम देखते हैं कि जब प्रताप रुद्र महाराज को ये सारी बातें समझ में आ गई तो उन्होंने उसको नीचे उतारा, और महाप्रभु को ये बात पता चली तो तब उन्होंने ये कहा कि ठीक है कि चैतन्य चरितामृत में तो स्टेटमेंट ऐसा है कि इफ़ यू हैव यूज, यानी महाप्रभु ने ये कहा है कि इफ़ यू हैव यूज दिस मनी, मिस यूज द मनी, गवर्नमेंट्स ट्रेजर इज लाइक, सरकारी पैसा ये एक सन्यासी के वस्त्र की तरह होता है, तो उसे समझ के ही इस्तेमाल करना चाहिए, और तुमने इसी में गड़बड़ कर दी तो अभी तुम्हें इसका कुछ तो भुगतना पड़ेगा। और तुमने किस पर उड़ा दिया, तो बताया गया कि ये स्पेंड द मनी ऑन डांसिंग गर्ल्स, ऐसा चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि इतने अच्छे भक्त होने के बावजूद कई बार सरकारी और उस परिस्थिति में रहकर अच्छे भक्तों की भी ये परिस्थिति हो सकती है। तो ये समझना कि सब कुछ एकदम सरल है, साधारण है और हम पार हो जाएंगे बिना कुछ किए और सबको प्रचार करते रहेंगे, ऐसा नहीं समझना है। हर क्षण महाप्रभु जैसे कह रहे हैं कि अपने आप को बचाने की कोशिश यहाँ पर करनी चाहिए हर भक्त विशेष को, कि भगवान आप अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखे और मुझे और दृढ़ बनाए इस भक्ति के मार्ग में। महाप्रभु ने इसे सरल तो बना दिया पांच तत्वों में, कैसे कि हरिनाम लीजिए, किसी धाम की यानी जब जब संभव हो किसी तीर्थ क्षेत्र में जाइए, घर पर या मंदिरों में आकर के अर्च विग्रहों की सेवा कीजिए, भक्तों की संग भक्तों का संग कीजिए, और नियमित रूप से भागवत का श्रवण, चैतन्य चरितामृत का श्रवण कीजिए। मार्ग तो बहुत सरल लगता है,
पर जब हम उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं तो महाप्रभु के समय से ही इतनी समस्या है, जबकि स्वयं महाप्रभु वहाँ उपस्थित है। तो आज दिन भर दिन कैसे होगा, कितने ये आप संप्रदाय आते जाएंगे, क्या क्या उनमें परेशानियाँ होगी, हमारे दिमाग में शरीर में क्या क्या और प्रलोभन आएंगे, ये देख करके हमको आगे बढ़ना है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि मैं ऐसे महाप्रभु को की उपासना नहीं करना चाहता कि जिसने कोई चमत्कार दिखाया हो, तो मैं किस महाप्रभु को उपासना कर रहा हूँ या किस महाप्रभु को मैं ढूंढ रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं उस महाप्रभु को ढूंढना चाहता हूँ कि जो श्रीवास के घर में रहे और श्रीवास ने जिनकी उपासना की। कौन है ये श्रीवास कि जिनके घर में अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु हुई, सब लोग हाहाकार मना रहे हैं और उन्हें चिंता यही है कि यहाँ इतना अच्छा सुंदर कीर्तन हो रहा है और आप लोग रो धो करके फिर क्या हासिल करने वाले हो, जो सबसे सुंदर चीज़ है इस संसार की, जो सबसे सरल चीज़ है और सबसे उत्तम चीज़ है कि भगवान के नामों का गुणगान करना, और वो जब हमारे घर में चल रहा है तो शरीर आना जाना लगा रहेगा, पर क्या हम कुछ समय के लिए अपने आप को रोक नहीं पाएंगे विलाप करने के लिए। तो मैं अभी ये बातें बहुत उच्च है, हम सब जो सामान्य या जिन्होंने अभी भक्ति शुरू की है उनके लिए शायद ये संभव नहीं है। पर आगे चल के वो कहते हैं कि कौन है फिर मैं, किसके कि मैं अपने व्यक्तिगत सुख के लिए महाप्रभु के कीर्तन में बाधा नहीं बनूंगा। फिर आगे वो कहते हैं कि मुकुंदमाला स्तोत्र में भी वो संदर्भ देते हैं कि नाहम वंदे पाद कमलयोर द्वंद्वम अद्वंद है तो कुंभिपाकम गुरुम अपि हरे नरकम नपन्नीतुम। ओ लॉर्ड हरि, इट इज़ नॉट टू बी सेव्ड फ्रॉम द ड्युअलिटीज ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस और द ग्रिम ट्रिबुलेशंस ऑफ कुंभिपाक हेल दैट आई प्रे टू यू एंड योर लोटस फीट, नॉर इज माई पर्पज टू एन्जॉय एनीथिंग एल्स ऑफ दिस वर्ल्ड और ग्रेटली प्लेजर्स ऑफ द हेवन। आई प्रे टू योर लोटस फीट only so that I may remember you alone in the core of my heart, birth after birth। वो भगवान से यही मांग रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से आप मुझे आपकी अहैतु की भक्ति प्रदान कीजिए, क्योंकि संसार के कितने भी सुख आज तो आ जाएंगे, कल वो कब तक रहेंगे मेरे पास इसकी निश्चिति नहीं है। तो इसलिए मैं ऐसे महाप्रभु की उपासना करना चाहता हूँ कि जिन्होंने कैवल्य यानि मुक्ति को भी ठुकरा दिया, कि जहाँ भगवान की सेवा नहीं है तो फिर ऐसी मुक्ति का क्या लाभ। और फिर ये आखिरी जो उन्होंने पंक्ति कही चैतन्य चंद्रोदय नाटक में जो लिखा है कि हेलो धुनित खेदया विषदया प्रोन्मिलद उन्मदया सम्यक शास्त्र विवादया रसदया चित्तार्पितोन्मादया शाश्वत भक्ति विनोदया समदया माधुर्य मर्यादया श्री चैतन्य दया निधे तव दया भूयाद आमनाद्योदया। ओशन ऑफ मर्सी श्री चैतन्य महाप्रभु, लेट देर बी एन अवेकनिंग ऑफ योर ऑस्पिशियस मर्सी विच ईजिली ड्राइव्स अवे ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल लैमेंटेशन। बाय योर मर्सी एवरीथिंग इज मेड प्योर एंड ब्लिसफुल। It awakens the transcendental bliss and covers all gross material pleasures. By your auspicious mercy, quarrels and disagreements arising among the different scriptures are vanquished. Your auspicious mercy causes the heart to jubilate by pouring forth transcendental mellows. Your mercy always stimulates devotional service, which is full of joy. You are always glorifying the conjugal love of God. May transcendental bliss be awakened within my heart by your causeless mercy। तो क्या मांग रहे हैं इसमें कि आप मुझे उस अहैतु की
जो भक्ति है जिसमें किसी कर्म ज्ञान और भी कोई भी चीज़ मिश्रित नहीं है, जिसमें वास्तविक आपकी संतुष्टि राधा कृष्ण की ही एकमात्र सेवा यही जीवन का उद्देश्य बने, हर जो कुछ कार्य हम कर रहे हैं उसमें इस प्रकार से सेवा करने की जो इच्छा है, वही अगर हम लोग चैतन्य महाप्रभु से मांगेंगे कि राधा कृष्ण है कौन, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो ये सारा ज्ञान हम तक शायद नहीं पहुंचता। तो मैं यही सारांश में कहना चाहूँगा कि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने इस राय बहादुर साहब के चर्चा से हम तक कुछ संदेश जो पहुँचाया है कि क्या चेतना होनी चाहिए, कि सिर्फ कोई तांत्रिक मांत्रिक जैसे चैतन्य महाप्रभु को मत समझिए, उनका अवतार विशेष करके इस हरिनाम संकीर्तन को इतने सुलभ दृष्टि से हम सभी को पात्र अपात्र ऐसे व्यक्तियों को दिलाने के लिए हुआ है, और यही हमारा परम सौभाग्य है कि हम लोग आज एकत्रित होकर महाप्रभु के आने वाली तिथि के लिए तैयारी कर रहे हैं, और यही चेतना को रखते हुए बाकी सारी दुनिया की चीज़ें एक तरफ और हरिनाम का संकीर्तन एक तरफ, तो उसी को हमें अपने जीवन में विकल्प के रूप में, जिसे हम पर्याय कहेंगे, चॉइस कहेंगे, ऑप्शन कहेंगे, उसे चुनते रहना चाहिए। और बाकी इसमें बहुत समस्याएं आएगी, काफ़ी कुछ उल्टा सीधा होता रहेगा, जैसे हमने देखा कि गोपीनाथ पटनायक जैसे भक्त के जीवन में भी ये समस्याएं आई, पर वो आती रहेगी अपने आप से, किसी की बेटी बीमार होगी, किसी का और कुछ होगा, पर उसमें से निकलने के लिए जो सबसे श्रेष्ठ मार्ग है कलयुग के लिए जो बताया गया है वो यही है। तो मैं अभी रुकूंगा और कहूँगा कि नहीं हो कुछ हो कुछ प्रश्न है कि इस विषय को लेकर के, कि क्योंकि आज का विषय ये था कि हमारी चेतना को कैसे बना के रखना चाहिए, अभी गौर पूर्णिमा आ रही है तो उस हाँ भाई इस विषय पर मैं बहुत सरल, और जिसे इनका हृदय काफ़ी सरल है कि वो पूछ रहे हैं कि कैसे हम इस परिस्थिति से देखें, उसके लिए मैं प्रभुपाद का एक वाक्य जो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ जीवन में उतारने की, वो आपके साथ शेयर करूँगा या बताऊँगा। कि प्रभुपाद ने कहा कि हमारे जीवन में तब यश होगा जब हम माया को तो देखेंगे, हाँ माया को तो देखेंगे, सब लोग देख रहे हैं, शुरुआत में शायद हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये माया है ना, माया यानी क्या, जो नहीं है वो सच है ऐसे प्रतीत होना, है ना, कि जैसे मृग जल है पर वहाँ पानी नहीं है, पर मुझे ऐसे लग सकता है, आभास हो सकता है कि यहाँ पानी है और मैं मृग जैसा भागता है, वैसे मनुष्य भी भाग सकता है उस तपती हुई रेत में, और शायद उस तपती हुई रेत को अपने मुंह में डाल भी सकता है क्योंकि इतनी लालसा है उस
वस्तु विशेष के प्रति. तो प्रभुपाद ने कहा कि करना कुछ नहीं है, जब जब माया को देखो तो मायापति को उसके बगल में ही देखो. है ना, यही अभ्यास है कि माया को और मायापति को, बस मायापति का स्मरण उस परिस्थिति में हो गया तो फिर कई भक्तों ने, आप देखेंगे संदर्भों में, कि वो कहते हैं कि भगवान कि अभी इस चीज़ से मेरी परीक्षा मत लीजिए. क्योंकि मैं वैसे ही इतने बार गोते खा चुका हूँ इस परीक्षा में, अब और क्यों जलील करना चाहते हैं. तब बस हो गया. तो ऐसे बार बार जब आप उस अंध देखे हुए भगवान को देखते रहेंगे कि जो सभी जगह उपस्थित है, योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति तस्याहम अनुग्रहणामि, कि जो मुझ में सब को और सब में मुझको देखने का अभ्यास करता है, उसके लिए न तो मैं कभी खो जाता हूँ न वो मेरे लिए खो जाता है, है ना. तो इसलिए, पर अभी जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि फिर इसके आगे नरोत्तम दास ठाकुर ने हमारे लिए पहले ही कह दिया कि तुम ये सब समझोगे भी, माया को और मायापति को देखना तो शुरू कर दोगे. पर फिर नरोत्तम दास ठाकुर और एक कटाक्ष करते हैं, वो कहते हैं जानिया शुनिया बिष खाइनो, कि जानते सुनते हुए भी अभी मुझे जहर खाने की आदत हो चुकी है तो अभी क्या करूं. फिर कुछ नहीं, इसी मार्ग में बस एक करो कि यहाँ से कहीं जाओ मत, कि जो ये आचार्यों ने मार्ग बताया है कि हमारा किसी से भी झगड़ा हो जाए, किसी से भी अनबन हो जाए, कई मुद्दे हमको इसमें से अच्छे लगे न लगे, पर ये जो पांच चीज़ें हैं जो महाप्रभु ने अलग अलग जगह पर इस पर जोर दिया है कि भाई हरिनाम भागवत नित्यम भागवत सेवा, क्योंकि ये हृदय ग्रंथि जो है छिद्दन्ते सर्व संशय, ऐसे भागवत की स्तुति है कि जब तक वो हृदय ग्रंथि जो जन्म जन्मांतर की है, भक्ति सदान सरस्वती इसी राय बहादुर के चर्चा में कहते हैं कि माया के प्रति आकर्षित होना, इसके लिए किस जीव को कौन सा प्रयत्न करना पड़ रहा है, वो तो बस स्वतः ही है, सिद्ध है. आज बाकी चीज़ों को सिद्ध करने के लिए कष्ट हो रहा है, पर माया के प्रति हमारी सिद्धियाँ तो यानी असंख्य है. तो इसलिए बुरा मत मानिए, क्योंकि अपन कर कुछ और ही रहे थे जन्म जन्मांतर. अभी किसी ने बताया, अभी माला लेकर डोल रहे हैं, तो समय लगेगा. ये मत समझना कि महाप्रभु ने इतना सरल मार्ग दिया है, पर वो सरल नहीं है, ये सर्व कठिन मार्ग है. क्योंकि सब कुछ आपके मन के, आपके शरीर के, आपके समाज के, सभी ये द्विधा या द्वंद्व खत्म हो जाए तब जाकर शांति से हरिनाम होगा. पर क्या कहा गया है, जब आप कोई आता है तो नए हम उसका स्वागत करते हैं, प्रभु जी ये माला लीजिए, माता जी ये माला लीजिए, बैठ जाइए हमारे साथ. कितना सरल है, बस बाद में प्रसाद का आयोजन है. उसे भी वही लगता है कि कितना सरल है कि बस कुछ नहीं, थोड़ा बहुत महीने के अंत में देना है चंदा, वो दिया तो भी ठीक, नहीं दिया तो भी प्रसाद तो चल रहा है, दर्शन हो रहा है, नाच कूद रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. पर जब असलियत समझ में आती है कि कहाँ फंसा दिया. तो ये महाप्रभु की कृपा है कि हंसते खेलते हुए उन्होंने, और प्रभुपाद की विशेष है कि खिला करके कि जो चाहिए वो किसी चीज़ के कारण आपको अलग नहीं करेंगे, कि पिज़्ज़ा चाहिए तो पिज़्ज़ा भी देंगे, और भी कोई विशेष वस्तु चाहिए तो सभी चीज़ें देंगे. पर इस मार्ग से जो जो उन्होंने बताया है, ये पांच जो तत्व है, हरिनाम भागवत सेवा वैष्णव संघ धाम निवास और मूर्ति पूजा, ये पांच चीज़ें करते रहिए. फिर वो प्रेम से करेंगे तो बहुत अच्छा, गाली गलौज करते हुए, क्रोधित होते हुए, पिटते हुए, रोते हुए, कैसे बिलखते हुए, कैसे, तो ये इस मार्ग पर बस डटे रहना है, तब जाकर ये बुखार शायद कम होगा. और इसलिए प्रार्थना करनी है. तो मैं यहीं रुकता हूँ. और कोई प्रश्न है इस विषय संबंधित? हाँ, शी लेफ्ट हर बॉडी.
It was R. Babu's daughter. Rai Bahadur was the one who narrated the story to Bhakti Siddhanta Saraswati. So, durbhagyavash, wo beti chali gayi. Wo theek nahi hui. तो इसलिए फिर क्या फायदा है ना ऐसे आपको भी कुछ लोग कहेंगे ठीक है मैं जगन्नाथ प्रिय प्रभु से निवेदन करूंगा कि वो कुछ चैतन्य लीला के बारे में जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय श्री गौर निताय भगवान जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा आप मैं सभी उपस्थित भक्तों को मेरा हार्दिक प्रणाम बेंगलोर में मैं तो पहली बार आया हूँ और आज इस विषय पर कि गौर पूर्णिमा आ रही है तो हमारे मन का भाव क्या होना चाहिए ये विषय को पढ़ के मुझे भी तभी ध्यान में आया कि गौर पूर्णिमा आ रही है तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तो भागवत में एक गुह्य अवतार करके उनका उनको कहा गया है और क्योंकि वो एक हिडन इनकार्नेशन है तो उनके कार्य में कई चीज़ें इस तरह से प्रस्तुत होती है कि एक साधारण मन के अंदर पूरी तरह से उसकी समझ आना थोड़ा सा मुश्किल है जो जैसे बासु घोष की इन्होंने भजन जो गाया था कि यदि गौर न होय तो तबे की होय तो राधार महिमा प्रेमम अससीम राधा की महिमा अभी राधा की महिमा ये विषय तो एक बद्ध जीव के लिए है ही नहीं लेकिन उस महिमा को एक सरल रूप से प्रस्तुत किया जाए किस तरह से एक बद्ध जीव का अपना जो उसकी जो जर्नी है तो उसके लिए राधा की महिमा या राधा भाव के स्तर पर पहुंचने तक जितना भी समय चले हर स्तर पर उसके लिए कुछ होना चाहिए मतलब एक साधारण से साधक के रूप में जब वो भक्त चलता है तो उसको वहाँ से आनंद मिलना चाहिए आनंद और सुख की अनुभूति हमारे बद्ध जीव की परिस्थिति से ले करके जब तक पूरी तरह से आगे व्यक्ति नहीं जाता है वहाँ तक हर स्टेज में थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली प्लेजर आना चाहिए ग्रेजुअल प्रोग्रेस इन हैप्पीनेस ये सब होना चाहिए नहीं तो कोई भी व्यक्ति केवल ज्ञान के आधार पर भगवान की शरण नहीं ले सकता ज्ञान के आधार पर आकर्षण हो सकता है ज्ञान के आधार पर सब एक टाइप की प्रेरणा मिल सकती है कि चलो हाँ ये विषय अच्छा था मैंने बहुत सारे अनेक विषयों पे अपना समय दिया है लेकिन उसमें जो आनंद की अनुभूति कभी कभी उस मात्रा में नहीं थी जिस मात्रा में कहा गया तो ज्ञान के आधार पर मैं शायद ये प्रयास करूँगा कि चलो ये कहा गया है कि साधना भक्ति में ऐसा ऐसा करने से इस प्रकार का एक आनंद मिलता है या धर्म का पालन करने से इस प्रकार का आनंद मिलता है ये मैं प्रयास करूँगा लेकिन प्रयास करने के बाद तो ज्ञान के आधार पर प्रयास तो हो गया लेकिन प्रयास के बाद अगर आनंद नहीं मिला तो व्यक्ति छोड़ देगा बुद्धि
और ज्ञान के आधार पर कोई भी कार्य करना, उसकी जो बोलते हैं ना शेल्फ लाइफ, एक्सपायरी डेट बहुत नज़दीक रहता है उसका. एनीथिंग डन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस हैज़ अ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन. तो जो भी चीज़ प्रभुपाद जी बार बार बताते थे, बार बार कई किताबों में उन्होंने कहा है कि ये जो तीन प्रकार के प्रमाण हैं भगवान को समझने के लिए, कौन से हैं तीन? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण. सबसे उच्च किसको कहा गया है? शब्द प्रमाण. प्रभुपाद ने कहा ये शब्द प्रमाण को सबसे ऊंचा कहा गया है, क्योंकि जिसको ज्ञान ही नहीं है उसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? जिसमें बुद्धि नहीं है तो चलो वेदों के ज्ञान से शब्द मिला, लेकिन गाड़ी अगर शब्द पे ही रुक गई तो काम नहीं चलेगा. क्योंकि जब वेद ने जब शब्द कहा, वो शब्द का वो शब्द किस बेसिस पे कहा? क्योंकि वेद ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ अनुभव किया तब उसको शब्द के रूप में दिया. समझ में आया? कि जैसे कल हम आ रहे थे तो विशाल प्रभु ने बताया यहाँ पर प्रसाद बहुत अच्छा मिलता है, एक सेंटर का. तो ये किस बीच? तो ये तो शब्द प्रमाण हो गया ना मेरे लिए, मेरे लिए शब्द प्रमाण हो गया कि हाँ चलो यहाँ एक प्रसाद अच्छा मिलता है. कि बेंगलोर में कभी आए ऐसे ऐसे तो ये तीन चार जगह है कि है ना, कभी कुछ हो जाए, कोई मिला नहीं मिला कुछ, तो ये जगह है यहाँ प्रसाद अच्छा मिलता. ये हो गया शब्द प्रमाण, मेरे लिए शब्द हो गया. लेकिन उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है इसीलिए वो बोल पाए ना शब्द. तो जब प्रभुपाद जी या आचार्य जब किसी भी चीज़ को प्रमाणित करते हैं या वेद जब किसी भी चीज़ को प्रमाणित करते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है, तो ये हुआ शब्द प्रमाण. पहले मेरे लेवल पे जो इनका प्रत्यक्ष है वो मेरे लिए शब्द बन गया, लेकिन मैं किसी को शब्द दूँ उसके पहले मेरा प्रत्यक्ष होना जरूरी है. बराबर कि नहीं? नहीं तो क्या होगा, फिर किसी दिन कोई आएगा तो बोला यहाँ प्रसाद बहुत अच्छा है, और उसने पूछा क्या क्या अच्छा है, तो कुछ पता ही नहीं, क्योंकि मैं प्रमाणित ही नहीं किया उस ज्ञान को. तो जिस ज्ञान को प्रमाणित ही नहीं किया वो ज्ञान कभी भी विकसित नहीं हो सकता है, और उसमें आनंद नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान ही है, इट इज़ जस्ट इन्फॉर्मेशन. तो इस विषय पर भगवद गीता में कृष्णा बोलते हैं कि ये जो भक्ति का जो ज्ञान है या ये जो धर्म का जो ज्ञान है जो अर्जुन को जब दे रहे थे, वो बोलते हैं ये बड़ा सुखमय ज्ञान है और आनंदमय ज्ञान है. क्यों? बिल्कुल, प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम. क्योंकि इस ज्ञान को जो मैं दे रहा हूँ आपको, वो आप उसको प्रमाणित कर सकते हैं, और क्योंकि आप प्रमाणित कर सकते हैं, सबसे बड़ा आपका कर्तव्य है कि उस ज्ञान को प्रमाणित करो. सबसे पहला धर्म, क्योंकि भगवान जब धर्म सिखाने आते हैं वो इसलिए सिखाने नहीं आते कि तुम सुन लो बस, ऐसा नहीं. सुन के समझो, समझ के क्या करना है, उसको पालन करना है ना. इसीलिए जब हम भक्ति या आनंद ये सब विषय की बात करते हैं, सरलता के विषय बात करते हैं, तो ये जब तक प्रमाणित नहीं होगा तब तक तो सरल लगेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा सरल सरल क्या है. बराबर. महाप्रभु इसीलिए जब अवतार लेते हैं, भगवान जब महाप्रभु के रूप में आते हैं, जो चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में ही आता है, तीसरे चैप्टर में, इनिशियल फ्यू वर्सेस में, तो वो उसमें ही स्पीक्स अबाउट टू रीजंस ना. एक तो अंतरंग कारण क्यों वो धरती पे आए, राधा महिमा, खुद को आस्वादन करना था. लेकिन बाह्य कारण क्या था? क्योंकि धरती पे आने का रीज़न क्या है? अगर मुझे राधा की महिमा का आस्वादन करना है, मैं महाप्रभु के रूप से बता रहा हूँ,
तो मुझे धरती भी आने की जरूरत ही क्या है, मैं तो कहीं भी आनंद ले सकता हूँ। और सिखाने में जो बद्ध जीव है उसको तो आनंद आ ही नहीं सकता है क्योंकि उसका लेवल ही नहीं है, तो शुरू कहाँ से करना पड़ेगा। तो इसलिए महाप्रभु ने ये एक बहुत सुंदर सा ये जो वर्स आता है, इट्स इन द आदि लीला, लेट मी रीड दैट आदि लीला चैप्टर 3 टेक्स्ट नंबर 20 और 21, बहुत अच्छा है। आपनी करीमु भक्ति भाव अंगीकार, आपनी आचारी भक्ति शिखायमु सवारे। महाप्रभु बोलते हैं कि मैं भक्त का भाव अंगीकार करके भक्ति के मार्ग को सिखाऊंगा। अगर मैंने ही भक्ति और शरणागति को अपने आचरण से सिखाया नहीं तो मैं दूसरे को नहीं सिखा सकता। उसके आगे वाला श्लोक कहता है कि आपने न कैले धर्म सीखा न याया, एत सिद्धांत गीता भागवत गाया। इफ आई कैनॉट प्रैक्टिस दिस माई सेल्फ फॉर माई ओन माई होल लाइफ, जैसे आपने कहा ना पूरा जीवन भर करना है, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्रश्न पूछा, तो आई कैन नॉट टीच इट टू अदर्स। अब ये महाप्रभु सोच रहे कि मैं अगर ये किसी को सिखाना चाहता हूँ तो मुझे पालन करना पड़ेगा। महाप्रभु दूसरों को सिखाने के लिए पालन कर रहे हैं, हमको सिखाने के लिए, लेकिन जब हम पालन करते हैं हम दूसरों को सिखाने के लिए नहीं करते, ये पहले हमको समझना चाहिए। दूसरों को सिखाने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, हमको केवल इस ये जो गीता में लिखा गया ना प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुकम, उसको प्रत्यक्ष, इस ज्ञान को प्रत्यक्ष करने के लिए ही पालन करना है। हमारे पालन करने में जब हमको आनंद आएगा और उसमें सरलता आएगी तो जो वो देख करके जिसने इस चीज़ को देखा वो अपने साथ अपने आप आकर्षित होगा, तो वही चीज़ अपने आप में प्रचार का रूप ले लेता है। मीन्स एक तो अगर ये ज्ञान, अगर ये शिक्षा हमारे जीवन में कठिनाई दे रही है या हम अभी तक उसको फाइन ट्यूनिंग नहीं कर पाए अप्लाई करने में और हमारा अधिक समय बाहर टीचिंग में चला गया, तो वी विल काइंड ऑफ प्रीच इन सच अ वे दैट इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी। कई बार ये देखते भी है कि कुछ लोग प्रचार भी इस तरह से करते हैं कि सामने वाला घबरा ही जाता है, और कुछ लोग इतने कठिन तपस्या इस तरह से करते हैं कि वो देख के हमको लगता है अरे मैं भी कर सकता हूँ। तो जो व्यक्ति भक्ति के सिद्धांतों को आसानी से फॉलो कर सकता है वही व्यक्ति दूसरों को उस चीज़ के ऊपर स्वाभाविक रूप से आकर्षित कर सकता है। जिसके हृदय में ये ज्ञान स्वाभाविक रूप से बैठा नहीं है उसको उस ज्ञान को देने में भी वही कठिनाई का वो रूप उत्पन्न कर देगा, प्रेम का विषय ही क्यों ना हो, प्रेम के विषय में भी कठिनाइयाँ उत्पन्न कर देगा। तपस्या के विषय में तो कठिनाइयाँ है ही, लेकिन प्रेम में भी कठिनाइयाँ उत्पन्न कर देगा। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान वो खुद अच्छी तरह से उसने पालन नहीं किया। जब हम व्हेन वी आवर सेल्व्स आर स्ट्रगलिंग विद मेनी ऑफ दोज थिंग्स इन आवर हार्ट एंड व्हेन वी ट्राई टू प्रीच दोज वेरी थिंग्स वी विल बी वेरी हेटफुल इन आवर होल डिस्पोजिशन, हम बहुत कठिन हो जाएंगे। जो नियम हम सरलता से कर सकते हैं वो चीज़ हम सरलता से दूसरे को सिखाते हैं, जो चीज़ हम सरलता से नहीं कर पाते तो वो हम दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। ये मन का स्वभाव स्वाभाविक चीज़ है। इसीलिए जब महाप्रभु बोलते हैं कि अपने आचरण से ही मैं सिखाऊंगा, तो ये आचरण क्या होता है?
कोई भी चीज को, किसी भी ज्ञान को बाहर प्रकाशित करने के पहले ये तीन स्टेप्स फॉलो करने चाहिए. सबसे पहला, लर्न दैट सब्जेक्ट प्रॉपरली, उस विषय को अलग अलग एंगल से थोड़ा समझो, लर्न. फिर कम्स द नेक्स्ट स्टेज, अप्लाई इट. अब व्हेन यू अप्लाई इट, अपने आप में, क्योंकि मैंने आज अच्छा अप्लाई किया तो उसका मतलब ये नहीं कि मैंने उस विषय को सीख लिया. उस एप्लीकेशन को थोड़ा समय देना चाहिए, कुछ समय तक, कुछ लंबे समय तक उसको अपनाना है, उसको अप्लाई करना है. कुछ समय तक जब अप्लाई होगा उसके बाद थर्ड स्टेज आता है कि वो प्रॉपरली एसिमिलेट होता है. मतलब जिस प्रकार से हम जब भोजन करते हैं या सब्जी लेके आए तो हमने सीख लिया कि इस प्रकार से ये रेसिपी बनती है, उसके बाद वो रेसिपी को कुक किया, मतलब वो प्रिपरेशन बनाया और वो भोजन खाया, वो एप्लीकेशन हो गया. और भोजन को एसिमिलेट होने के लिए भी समय देना पड़ेगा ना. फिर उस भोजन को जो हमने खाया उसको अब शक्ति का रूप बनते बनते कितने दिन चले जाते, और उसके बाद फिर आपका एक हेल्थ, आपका एक सुख, आपकी एक अनुभूति बनती है, हाँ ये प्रिपरेशन अच्छा था, उसमें ऐसा था, एंड देन यू कैन स्पीक अबाउट इट. तब आप प्रमाणित कर सकते. उसी प्रकार से ज्ञान को पहले सीखो, फिर उसको अप्लाई करो और थोड़े समय तक उसके साथ रहो. नॉट दैट चलो मैंने अप्लाई कर दिया 10 दिन, अभी चलो अभी दूसरे को मैं सिखाने योग्य बन गया. वास्तविक रूप में भक्त लोग, भक्तगण जितने भी, या हम सभी लोग जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, ये स्वाभाविक होता है कि हमको नया स्टोरीज या नई इन्फॉर्मेशन सुननी भी है और नया नया सबको बताना है, और नया चीज़ करने में एक नया आनंद रहता है. और जैसे हम करते हैं और हमको थोड़ा अच्छा लगता है तो आज हम लोग तुरंत इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर लेते हैं, एंड वी एक्सपेक्ट एवरीबडी टू गिव दोज 5-star रेटिंग्स इमीडिएटली, है ना. लेकिन एसिमिलेशन ये बहुत बड़ा विषय है, कि मतलब एसिमिलेशन मतलब ये जो भी चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं वो अभी हमारे जीवन में ईजी हो गया थोड़ा सा. जब वो ईजी बनता है उसके बाद वास्तविक टीचिंग शुरू होने लगता है, उसके बाद वास्तविक प्रीचिंग होने शुरू लगता है, शुरू हो जाता है. इसीलिए जब महाप्रभु बोलते हैं मैं अपने जीवन से दिखाऊंगा, अगर अब जब हम महाप्रभु के, महाप्रभु का चैतन्य चरितामृत में उनके जो सारी लीलाएं पढ़ते हैं उनमें हम देखते हैं कि जैसे इन्होंने बहुत अच्छा गोपीनाथ पटनायक के बारे में बताया कि ऐसे महाप्रभु ने दुष्ट जीव से लेकर के बहुत उच्च कोटि के भक्त जैसे रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, वहाँ से सारा जो स्पेक्ट्रम है, हर किसी के साथ वो इस तरह से डील करते थे कि हर किसी को लगता था कि मैं भक्ति कर सकता हूँ. क्यों? क्योंकि महाप्रभु के लिए भगवान को प्रेम करना और ये जो सारा भक्ति का तत्व ज्ञान है वो बहुत सरल हो गया था. तो इसीलिए अगर ये सब ज्ञान में अगर आनंद लूटना है ना, तो ये ध्यान में रखो, दिस द थर्ड पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एसिमिलेशन. हिंदी में एसिमिलेशन को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं. परिपक्व करो. परिपक्व को फाइन ट्यूनिंग. मुझे याद है कि हम लोग जब पहले इस्कॉन में धीरे धीरे आए और मृदंग के मुझे किसी ने कहा कि अरे 10 मिनट में तुमको सिखा दूंगा, ये 8 बीट्स है, ये अगर फॉलो करो पेपर में, उसने ड्रॉ कर दिया. आज भी मैं लोगों को सिखाता हूँ 10-10 मिनट में, लेकिन वो उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता. तो वो मुझे दिखा दिया था उस. फिर मुझे लगने लगा कि वो जो 2 भजन वो गा रहा है और मैं बजा रहा हूँ, मतलब मुझे मृदंग आ गया और मैं सिखा रहा हूँ ऐसे उतने. लेकिन मुझे कोई मृदंग के प्रति मेरी कोई निष्ठा है ही नहीं,
क्योंकि मेरा वो नेचर नहीं है. और कभी कभी मैं कभी मृदंग बजाता हूँ क्योंकि कुछ एरियाज में लोगों को मृदंग बजाना नहीं आता, बोलते यू प्ले सो नाइस. तो ये मुझे सुख नहीं देता क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे वास्तविक में आनंद नहीं आ रहा है और मुझे आता ही नहीं, मुझे निष्ठा ही नहीं है उस विषय के ऊपर, तो मुझे क्या आनंद आएगा. जिसकी निष्ठा होगी वो तो ऑडियंस हो या ना हो उसको बजाने में ही आनंद आ रहा है. वैसे हमारी निष्ठा ये सारे सिद्धांतों को और इसमें ऐसी होनी चाहिए दैट वी हैव बिकम ईजी विद द सब्जेक्ट वेरी नाइसली एंड वेन वी आर फॉलोइंग इट इट्स नॉट अ बर्डन टू अस. तो ये जो एसिमिलेशन होता है ना उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, बहुत मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस करके फाइन ट्यूनिंग जिसको बोलते हैं उसको टाइम लगता है. तो जब हम प्रचार करते हैं तो उस हिसाब से ही प्रचार होते रहना चाहिए. हमारी मात्रा जो एसिमिलेशन है ना उसी मात्रा में, दैट इज द होल स्पिरिट. लर्न, अप्लाई, एसिमिलेट, देन टीच. टीचिंग हमारे लिए वास्तविक में टीचिंग है नहीं, वो सेवा का रूप है. इट इज़ लेस, इट्स मोर अबाउट शेयरिंग देन टीचिंग. शिक्षा देना वो शायद हमारा अधिकार है नहीं, लेकिन हमारे आनंद जो आ रहा है उसकी अनुभूति को बांटना चाहिए. उतना तो हम कर ही सकते. तो जब प्रभुपाद बोलते हैं कि यू प्रीच, जब महाप्रभु बोलते हैं कि कहाँ भी जाओ, नित्यानंद प्रभु बोलते हैं जिसको मिलो जाओ प्रीच प्रीच गिव द होली नेम, तो वो उस इट इज़ नॉट बाय स्किपिंग दैट पॉइंट. लर्न, प्रीच, सेकंड और थर्ड गायब हो गया. अगर सेकंड और थर्ड गायब हो गया तो वही होगा जो मैंने शुरुआत में कहा था, प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं, शब्द सुन लिया और डायरेक्ट शब्द का मार्केटिंग हो रहा है. तो बीच के दो चीज़ नहीं होगे तो आप कब तक चलाओगे आपको, क्योंकि पैसा नहीं मिलता है. बाहर की दुनिया में ऐसे ही होता है, आप सीखते हो और सीधा लगा देते हो तो कम से कम उसके लिए पैसा तो मिलता है. यहाँ पर वेतन क्या है पता है क्या? अनुभूति, वही वेतन है. और अनुभूति नहीं हुई तो वेतन नहीं हुआ ना, आनंद ही नहीं आएगा. तो ये सोच के अपनी दिनचर्या उस तरह से करो, अपने व्यवहार उस तरह से बनाने की कोशिश करो. वैसा जय श्री चैतन्य महाप्रभु की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री गौर निताय भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय. कोई कमेंट, कोई टीका या कोई प्रश्न? मतलब प्रचार थोड़ा उसी, देखो प्रचार में दो, एक होता है कि मैं जो सीखा हूँ, अच्छी अच्छी कथाएँ सुना हूँ, चाहे गोपी के बारे में हो वो भी मैंने शेयर कर लिया. दूसरा होता है कि मैं इस तरह से प्रचार करता हूँ कि मैं एक रेजिमेंटेड माइंड में लेके गया हूँ कि मुझे इतना आउटपुट चाहिए कि अभी मैं आपके पास चार क्या बोला हाँ, तो जो ऐसा एकदम ऐसा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड रहेगा ना, तो वैसा टाइप में फिर आपको, मैंने वही कहा ना, फिर वो मार्केटिंग और आउटपुट ओरिएंटेड आपका उसमें दो चीज़ मिस हो जाएगा. क्या मिस हो जाएगा? अनुभूति मिस हो गया ना, आपका वेतन ही चला गया. जब वेतन ही चला गया तो आप ये कब तक करोगे? करोगे,
That is why we see many people who get tired, they get frustrated, they get fried out. Ye shabd bahut iskon mein Hare Krishna, Hari Bol aur fried out. Ye teen bahut famous shabd hai. Kyunki kuch zyada kar liya ya is tarah se kar liya ki jahan ras utpatti nahi hui. To aisa चलो जैसे आप ही के उदाहरण में चार जन शिफ्ट होने चाहिए तो ठीक है तो ऐसे नहीं चार नहीं मैं तो बोलूंगा 40 जन शिफ्ट होने चाहिए लेकिन लेट दैट शिफ्ट बी वेरी नेचुरल लेट दैट शिफ्ट बी प्रोग्रेसिव लेट इट नॉट बी हेस्टी कि घोड़े की तरह उसको बांध दिया और बोला बस यही एक रास्ता है ऐसा मत करो शिफ्ट को भी मैच्योर परिपक्व शिफ्ट कर सकते हैं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमें रुके ही रहो उस विषय के ऊपर प्रीचिंग या शेयर करने के लिए ऐसा नहीं लेकिन ज्ञान को शेयर करना एक जब एक व्यक्ति ये भाव लेके ही चले कि मैं ज्ञानी हो गया हूँ और मुझे ज्ञान है और मैं सिखाए मैं मुझे बोलूँगा चुपचाप फॉलो करो तो त्रुटियाँ उत्पन्न होने लगती हैं खुद के अंदर ही मैं दूसरे का नहीं बोल रहा दूसरे का तो धज्जिया उड़ जाएगा वो उसकी बात है नहीं हमारी खुद की तो ये आपको अपने हिसाब से देखना है अभी कि ऐसा मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ चार महीना छः महीना एक साल ट्राई टू अप्लाई फिलोसॉफी नाइसली प्रैक्टिस मेक लाइफ इजियर फॉर अदर्स सी आई टेल यू समथिंग लोग दुखी है त्रस्त है सब जगह चाहे वो भक्त हो या भक्त ना हो कलेश मन में बहुत ज़्यादा है सभी के जीवन में आज सबसे सरल काम अगर आप किसी के लिए कर सकते हैं तो थोड़ा उसका दुख हल्का करो तो उसका दुख हल्का करने के लिए ट्राई टू मेक थिंग्स ईजियर आई एम नॉट सेइंग मेक इट कॉम्प्रोमाइज ये नहीं बोल रहा हूँ आई एम टेलिंग मेक इट ईजियर ईजियर मतलब वो जहाँ कहीं है जिस स्टेज पे उससे उसके लिए थोड़ा सा ये करो हम जब जल्दी में रहते हैं तो हम भी दूसरे को जल्दी करा डालते हैं कि भाई तू जल्दी कर मेरे को अभी रिजल्ट देना है अगले मीटिंग में बताना है कि कितने 16 वाला वाले लोग आ गए तो तुम 8 तक हो जल्दी 16 तक पहुंचो क्यों मेरे फिगर्स 16 है ये मेरे 20 लोग हैं तो 25 हो जाएंगे ऐसे टाइप जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल फिर वो मज़ा नहीं है जैसे एक जगह एक भक्त थे उन्होंने प्रभुपाद के समय हुआ जब तमाल कृष्ण महाराज और ये लोग बस पार्टी में चलाते थे तो दो नए नए सन्यासी थे यंग वाइट बॉडीड पीपल फुल ऑफ पैशन उनके ऐसे उनके मन में भाव आया कि ये इतने लोगों को ब्रह्मचारी बनाता है मैं ज़्यादा लोगों को बनाऊँगा तो काउंट के ऊपर चलता था कि अभी मैं नेक्स्ट टाइम जब बस पार्टी लेकर के जाऊँगा प्रभुपाद को मिलने के लिए तो मैं 108 लोगों को सबमिट कराऊंगा अभी 108 हो ही नहीं रहा था तो बनाया जा रहा था किसी को अरे तू आ जा बाद में देखेंगे मेरा 108 हो जाए बाद में तू चला जा अभी पहले तो 108 हो जाने दो फिर साल भर के बाद क्या हुआ 50 लोग गायब हो गए तब तक दूसरा एक 108 हो गया इफेक्टिवली बाद में गिरते 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 ही गया तो प्रभुपाद ने इसलिए रावदा दामोदर बस पार्टी बंद करा दी थी कि तब भक्तों की चोरी होती थी पैसों की नहीं कि मतलब एक भक्त को अपना 108 सबमिट करने के लिए वो दूसरे मंदिर के 10 ब्रह्मचारी को हाईजैक करके आज एमएलए को कैसे करते हो एमएलए हाईजैकिंग चलता है कि नहीं वो रिजॉर्ट में बंद 40 लोग वो बंद कर देते पार्टी वाले ऑलमोस्ट वैसा ही होता था सीक्रेटली एक आदमी जाएगा सबसे पॉपुलर बस पार्टी है ये इस्कॉन का सबसे पॉपुलर ग्रुप है यहाँ 10 लोग आ जाओ तुम्हारे को हाई प्रोफाइल सेवा मिलेगी तो मंदिर बेचारा सुबह प्रेसिडेंट उठा मंगल आरती करने के लिए 10 लोग रिपोर्ट आया गायब हो गए क्योंकि ये अमुक लोगों ने चुरा लिया 10 ब्रह्मचारी तो ये फिर प्रभुपाद ने बंदी करा दी बोले इस तरह का हमको नहीं चाहिए इस प्रकार के भक्त नहीं चाहिए इस प्रकार के फिगर्स नहीं चाहिए इस प्रकार का मैसिव जैसे ये जो कोट है ना इंक्रीज्ड बुक सेल्स इस प्रकार का सेल्स नहीं चाहिए इस प्रकार का प्रचार नहीं चाहिए
हृदय पूर्वक, भाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक फिर चलने दो. सो एटलीस्ट सी दैट यू डोंट बिकम अ रीजन ऑफ टॉर्चर टू समबडी. इधर से कर सकते बाकी कोई, क्योंकि लॉन्ग टर्म ना, व्यक्ति को लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट टर्म फिगर्स तो ऊपर नीचे होंगे, लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल्स बहुत आसान, बहुत केयरफुली अप्लाई होने चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जय श्रील प्रभुपाद की जय. थैंक यू ऑल वेरी मच.